मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, शास्त्र शस्त्र और ज्ञान की धरती नालंदा से सादर प्रणाम आपको। नालंदा लोकसभा क्षेत्र 29 की समस्त जनता आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने ये अभियान मैं भी चौकीदार हूं चलाया था तो हमें लगा कि ये केवल चौकीदार भाइयों के लिए है, लेकिन बहुत कम समय में हम जैसे डॉक्टर समेत कई सेक्टर्स के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सभी समस्त मजदूर, व्यवसायी, किसान, सभी लोग जिस तीव्र गति से इससे जुड़े और अपने आप को इसमें सहर्ष स्वीकार करते हैं, मैं आपको इसके लिए सहृदय धन्यवाद कहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा दो छोटा सवाल है आपसे। पहला, माननीय चौकीदार महोदय, 6 दशक तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेसियों को इस चौकीदार सबसे चिढ़ क्यों है? दूसरा सवाल, इन विपक्षियों को आपकी चौकीदारी नापसंद क्यों है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर एक बड़ा मजबूत पुलिस वाला ड्यूटी पे आता है, दम वाला, दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला, तो नागरिकों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप बताइए, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वहां जो गोरख धंधे करते होंगे उनका क्या होता होगा? वो सबसे पहले उस पुलिस वाले की ट्रांसफर चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? वे कहीं और चला जाए। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को ये मान करके बैठे हैं कि ये देश, ये सरकार, ये राजघराना, ये इनकी पैतृक संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को मिलना चाहिए। और ये चाय वाला आकर के बैठ गया, ये पचा नहीं पा रहे हैं। पहले दिन से ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये संभव है। आप देखिए, हिंदुस्तान में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, बाकी सबके सब प्रधानमंत्री भले किसी भी दल से बने हो, लेकिन उनका गोत्र कांग्रेस का था। और पहली बार जब दूसरे गोत्र के व्यक्ति आए हैं तो उनका चाल क्या होगी, उनके तरीके क्या होगी, उनको पता ही नहीं चल रहा है कैसे करें। बाकी तो उनके जाने पहचाने चेहरे थे तो अपना रास्ता खोल लेते थे। अब एक मोदी एक ऐसी परंपरा से आया है कि जहां उनके लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है, आप मुझे बताइए, क्या देश में लूट चलने देनी चाहिए? आप हैरान होंगे, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां हमने थोड़ी मदद ली सबकी, उन्होंने हमारी मदद भी की। जो हमारे साथ नहीं है वो तो आज भी मदद नहीं कर रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। करीब 8 करोड़ नाम हमने ऐसे निकाले हैं, बिल्कुल फर्जी नाम, 8 करोड़ लोग जिनका जन्म ही नहीं हुआ लेकिन सरकारी दफ्तर में वो बड़े बन गए, बेटी पैदा नहीं हुई बड़ी बन गई, शादी हो गई वीडो हो गई, वीडो पेंशन जाना शुरू हो गया। मैं समझा पा रहा हूं आपको? बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्कूल में दाखिल हो गया, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, मध्याह्न भोजन का खर्चा लगने लग गया। 8 करोड़ लोग अभी तक तो मेरे हाथ में आए हैं, और करीब 1 करोड़ 15 लाख ये आधार में रकम चोरी होती थी।
अब 1,00,000 करोड़ रुपया करीब करीब इसी में चोरी हो रहा। जब मैं आधार लाया तो ये पैसे बच गए। अब ये जिनके पास, किसी न किसी के पास तो जाते होंगे 1,00,000 करोड़ रुपया, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? अब मुझे बताइए कि मोदी के एक नियम के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, आधार बैंक अकाउंट, 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रकम अगर बच गई तो देश का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जिनके नाम से जा रही थी वो तो था नहीं, तो किसी बिचौलिए के जेब में जाती होगी कि नहीं जाती होगी? जाती होगी नहीं जाती होगी? तो हमारी योजना है डीबीटी, उनकी योजना भी थी डीबीटी। हमारी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनकी योजना थी डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। अब मुझे बताइए, जो बिचौलियों के जेब में हर वर्ष 1,00,000 करोड़ रुपया जाता होगा वो मोदी ने बंद कर दिया, तो वो मोदी मोदी करेगा क्या? वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो उसको मोदी से गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नाराजगी करेगा कि नहीं करेगा? अब ये नाराजगी से मुझे डरना चाहिए कि आप जैसे अच्छे नागरिकों के लिए काम करना चाहिए? तो मैं ये कर रहा हूं। मुझे वाहवाही की चिंता नहीं है, मेरे देश की वाहवाही हो जाए। और पहले जो बेंगलुरु के भाई ने पूछा था कि देश हमारा कैसे डेवलप कंट्री माना जाएगा, यही कदम है, यही रुपये पैसे हैं, डेवलप बन जाएगा।